जय जगन्नाथ दोस्तों, फिर से एक नया ब्लॉग का आपको स्वागत करता हूँ। अभी मैं आके पहुँच गया हूँ पौंडीचेरी में। फिलहाल मैं पौंडीचेरी रेलवे स्टेशन में हूँ और पौंडीचेरी में सबसे ज़्यादा जो फेमस टेम्पल है वो श्री गणेश टेम्पल। तो चलिए दोस्तों, पौंडीचेरी रेलवे स्टेशन से श्री गणेश टेम्पल आप कैसे पहुँचेंगे इस ब्लॉग में आपको पूरा बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टेशन का इनसाइड लुक कुछ इस तरीके से रहता है, अभी देख ही सकते हो, काफ़ी छोटा स्टेशन है। तो दोस्तों, स्टेशन काफ़ी छोटा है, तो अगर आपको यहाँ तक ट्रेन नहीं मिलती है तो आप भिल्लूपुरम तक उतर सकते हो, भिल्लूपुरम जंक्शन। तो वहाँ से आप यहाँ तक आ सकते हो लोकल ट्रेन में, नहीं तो बस में भी आ सकते हो। वैसे मैं ट्रेन आया लोकल ट्रेन में, मेरे को एक घंटा लगा और किराया जो था उसका 10 रुपया था। तो चलते हैं, बाहर चलते हैं, देखते हैं। 1 किलोमीटर दूर है मंदिर यहाँ से, तो देखते हैं ऑटो का किराया क्या रहता है और पैदल जाएंगे तो कितना क्या रहता है, वो सब भी आपको बताने वाला हूँ। तो पीछे में आप देख सकते हो मंदिर है, और स्टेशन से मंदिर का जो दूरी था वो 1.5 किलोमीटर दूर था। और ऑटो वाला किराया लेते हैं 150 रुपया, उनका फिक्स रहता है। तो मंदिर के अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या मोबाइल अलाउड है या VIP दर्शन है या क्यों क्या कुछ दर्शन है। तो 1700 साल इस मंदिर पुराना है, तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ देखने का चीज़ है। श्री गणेश भगवान का यहाँ पे काफ़ी सारी, बहुत ही सारी मूर्ति बना गया है हज़ारों की संख्या में। उनका सबके अलग अलग नाम भी रखा गया है, जितना भी आपको नहीं पता होगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो मूर्ति कैसे बना हुआ है। मंदिर के अंदर आप जैसे ही एंट्री करोगे आपको बहुत ही सारा मूर्ति देखने को मिलेगा यहाँ पे, अलग अलग नाम पे। यहाँ पे बाला गणपति, यहाँ पे थरुणा गणपति। जब मंदिर को एंट्री करोगे हज़ारों की संख्या पे गणेश, श्री गणेश का मूर्ति देखने को मिलेगा, अलग अलग नाम पे आपको देखने को मिलेगा। और मंदिर में फ्री दर्शन है और VIP दर्शन नहीं है। अगर आपका अलग अलग कुछ सिस्टम है उनका, जैसे कि आपको पूजा करना है, हवन करना है, उसका अलग अलग पैसा लगता है। और प्रसाद भी मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में, प्रसाद भी मिलता है यहाँ पर।